డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి అన్ని బ్రాంచ్ల్లో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ మరియు 25% అన్ని మందులపైన గొప్ప డిస్కౌంట్ బై నమస్తే आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं इलेक्शन आ रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं हम लोग कांग्रेस पार्टी को क्यों बोले तो देखो कांग्रेस पार्टी जो बोली तेलंगाना में अब जो माहौल चल रहा हर चीज़ में महंगाई महंगाई पब्लिक बहुत परेशान है तेलंगाना में अब कांग्रेस पार्टी आने से ये फ़ायदा है कांग्रेस बोल रही कि अब डेली पब्लिक को क्या होना डेली खाने को होना अब बोल रही गैस 500 रुपये करती है लाइट का बिल जो है 200 यूनिट करती बोल के बोल रही कई घरों में लाइट का बिल पेंडिंग में मैडम 1,000 2,000 गरीब घर वाले बन नहीं सकते लाइट का बिल अब कांग्रेस पार्टी आने से 200 यूनिट फ्री दे रही इससे क्या है मालूम गरीब जो घर के जो लोग आ रहे थे उन लोगों को काफ़ी सुकून मिलता 200 यूनिट बोले तो अब खाने पीने का तो देखिए अब आपको मालूम ही छे आज का रेट देख लीजिए 80 रुपये किलो प्याज हो गई अब कांग्रेस का टाइम देखिए आप 20 रुपये किलो प्याज थी कांग्रेस जो वादे करी पब्लिक के लिए जो स्कीम्स जो बोल रही पब्लिक की बेनिफिट्स के लिए जो बोल रही तो वो बेनिफिट्स होना हमारे को अब कांग्रेस आने से ये बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे को ये भरोसा है हमारे को अब पूरी तेलंगाना की आवामी जो बोल रही कांग्रेस 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 भरोसा कर रही कांग्रेस पार्टी पे पूरी पब्लिक कांग्रेस पे एक उम्मीद लगा के बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी अगर तेलंगाना में आएंगी तो पब्लिक का फ़ायदा होता बोल के मगर बहुत सारे लोग हैं ना कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे बोल रहे कि हम TRS को BRS को ही डाल देंगे वोट क्योंकि उन्होंने हमको ज़्यादा पैसे दे रहे हम आपको जो जो काम कर रहे हैं ना वो सब पूरा कर रहे बोल रहे आप और कर्नाटक के इलेक्शंस के बाद तो सब लोगों के मन में ये बैठ गया कि उन्होंने कुछ नहीं करते बोल के आप उसके बारे में क्या बोलते नहीं नहीं मैडम देखिए तेलंगाना की आवाम तो अब जितना भी हम लोग भी जो कैनवेसिंग जो पब्लिक में जोड़ते बैठते पब्लिक हमारे को क्या बोल रही हर जगह फिरना हर जगह है बटन दबाना कांग्रेस को ये बोल के पब्लिक ये बात बोल रही अब TRS बोल के जो बोल रहे हैं आप लोग TRS आने से क्या फ़ायदा हुआ बोलिए आप जिसका हक उसको नहीं मिल रहा ज़मीनों के मसले में देखिए आप जो भी ज़मीन का जो भी गड़बड़ चल रही TRS का काउंसलर TRS का MLA मेरे पास प्रूफ्स है प्रूफ्स बताता हूँ मैं मेरे खुद के ज़मीन के मसले रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है मेरे इन्वॉल्व किसका है इसमें गुंडों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है TRS पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है TRS के पार्टी जो भी काउंसलर जो भी MLAs रहते हैं ना उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा अब हमारी कई मस्जिद भी शहीद करा दिए कांग्रेस पार्टी के टाइम हम कभी नहीं सुने ये मस्जिद टूटी हैदराबाद शहर में अब वक्फ बोर्ड के लैंड्स देखिए वक्फ बोर्ड के इतने ज़मीना थे कांगे ज़मीना पूरे हो किसको पूछना हम बहुत सारे लोग ना कांग्रेस को थोड़ा बाद में देख ले के बोल के ऐसा बोल रहे मगर इस बार तो BRS को ही वोट डालेंगे बोल के ऐसा सर्वे में पता चल रहा है हमको लोगों से ये बात पता चल रहा है आप उसके बारे में क्या बोलते हैं अगर कांग्रेस आए तो क्या क्या करती देखिए मैडम कांग्रेस आई तो कांग्रेस बहुत कुछ करने वाली है पब्लिक के लिए कांग्रेस जो भी करेंगे पब्लिक के लिए करेंगी अब देखिए पब्लिक को क्या होना मैडम खाने अच्छा होना जॉब्स होना जो भी चीज़ है सस्ती मिलना पब्लिक कुछ खरीद के खाए सरकार है ना अब देखिए कांग्रेस के टाइम 300 रुपये गैस थी मैडम अब 1200 रुपये गैस हो गई अब कांग्रेस आने से 500 रुपये सिलेंडर कर दी 600-700 रुपये बच रहे वो गरीब के घर में 600-700 रुपये ना 2 दिन खाना खाती गरीब वो पैसों से आज के माहौल में देखिए 1200 रुपये गैस ले रहे अपन तेल देखिए मैडम 120 रुपये किलो तेल हो गया वो टाइम पर 60 रुपये किलो तेल था मैडम ये 7-8 साल में कितना 9 साल में कितना डिफरेंट हो गया देखिए ऐसा क्या डिफरेंस हो गया अब TRS पार्टी बोल रही हम करते हम भी कम करते बोल के बोल रही 9 साल पहले कहीं क्यों नहीं बोले आप कांग्रेस आयोबा से कहीं क्यों बोल रहे आप और एक और बात तेलंगाना के लोग जो है ना BRS पार्टी जो है वो पार्टी यहाँ का है BJP या कांग्रेस हो वो पूरा इंडिया का पार्टी है वो राष्ट्र पार्टी है और ये पूरा इंडिया जानती है दोनों पार्टी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी हो या ऊपर जो लोग हैं ना अगर वो ही बोलेंगे तब इस तेलंगाना को डेवलपमेंट होगा अगर कांग्रेस आए तो उसके बारे में क्या बोलते हैं आप देखिए मैडम कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है मैडम कांग्रेस ये हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करती कांग्रेस के दौर में सबकी गाड़ी चलती थी चाहे वो हिंदू रहो मुस्लिम रहो या सिख या ईसाई रहो सब जने खाते पीते फिरते रहते थे मैडम ऐसा गड़बड़ा कुछ भी नहीं होते थे गड़बड़ करने वाले कोई और लोग है कोई एक और बात बहुत सारे लोग ना रेवंत रेड्डी CM बोल के बोल रहे हैं आप अगर कांग्रेस जीते तो कौन CM बनता देखिए मैडम रेवंत रेड्डी CM बनेंगे क्योंकि वो तो रेवंत रेड्डी भी क्या है मालूम वो काम करते बोल के वो आज के दौर में आज भी MP है वो MP की सीट से जीते आप कोई बहुत सारे लोग आप बोल रहे थे कांग्रेस का पत्ता कट हो गया तेलंगाना में से नामो निशान नहीं है बोले बात से भी रेवंत रेड्डी को पब्लिक मांग के चुनी कहीं कुछ नहीं मैडम रेवंत रेड्डी को रेवंत रेड्डी बस वर्क करते बोल के चुन रही ना मैडम पब्लिक अगर रेवंत रेड्डी ऐसा वर्क नहीं करते थे
तो कांग्रेस को वोट डालते ही नहीं थे वहाँ के लोग, एमपी बनते ही नहीं थे। हालांकि तेलंगाना की हुकूमत पूरी टीआरएस में वन साइड, फिर भी रेवंत रेड्डी एक है। आपका वोट तो कांग्रेस का ही है? हाँ मैडम, मेरा भी वोट कांग्रेस का है, मेरे फ्रेंड्स का वोट भी, मेरे फैमिली मेंबर्स, वो सब पूरा का कांग्रेस का ही वोट रहेगा।